ये आकाशवाणी जम्मू में नरेश शर्मा को खबर सुनो, पर पहले एक अपील क्राउन करी अजय भी जनता बनी दी है। इस करी अस अपने श्रोतों की अपील करने हैं जो सोगे राउंड से पूरी चाली टीका लोई लैन ते कन्ने 15 को लेइए 18 बरे धोड़ी दी बरेसू दे बच्चे समेत और ने लोकें दे टीकाकरण च भी मदद करन। मेहरबानी करिए तंदुरुस्त रहने लई त्रौं सखल्ले उपायां दी पालमा बराबर जारी रखो। मुंह पर मास्क पाओ, आपू च दौं गज का सुरक्षित छंडा बनाई रखो। हथ ते मुंह की साफ सुथरा रखने पर चेचा ध्यान दियो। कोविड मुतलक कोई जानकारी जा मार्गदर्शन हासिल करने लई तुस राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करी सकदे हो। ये नंबर ने 011-239-7-8046-1075। ते हुण खबरां अहमदाबाद च 2008 च होए दे बंब धमाके दे मामले च अज अदालत ने 38 दोषियों की फांसी ते 11 की उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। ऊर्जा मंत्रालय ने अक्षय ऊर्जा के संसाधनों कन्ने ग्रीन हाइड्रोजन ते ग्रीन अमोनिया तैयार करने बारे एक नीति की घोषणा की है। हाइड्रोजन ते अमोनिया की ऊर्जा के जमीनी संसाधनों के विकल्प के रूप में देखा जा करता है। बार बार इस्तेमाल किए जाने वाले स्रोतों थमां तैयार होने वाले ईंधन की ग्रीन हाइड्रोजन ते ग्रीन अमोनिया आखदे ने। इंदे कन्ने पर्यावरण पर कोई माड़ा असर नहीं पाउंदा ते राष्ट्र ताई ऊर्जा का टिकाऊ ते सुरक्षित संसाधन उपलब्ध हो सकता है। सरकार आसिया इस पेठा नेकां जतन किए जा करदे ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरे पिछले बरे मुल्क के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की ही। मिशन का 2030 तोड़ी 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते अबू धाबी के शहजादे ते सशस्त्र बलें के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मुहम्मद बिन जायद अल नयान के बिचकार अज वर्चुअल तरीके राय शिखर सम्मेलन लगेग। मेद जे दवे राजनेता दौने मुल्कों बिचकार इतिहासिक ते दोस्ती वाले संबंधों पर अपने विचार प्रगट करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची होरें दस्या जे पिछले किश बरें दौरान दौने मुल्कों बिचकार आपसी रिश्ते और मजबूत होए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान तहत मुल्क च अजे तोड़ी कुल 174.64 करोड़ टीके लाए गए हैं। सेहत मंत्रालय ने दस्या जे कल 37,86,000 कोविड रोधी टीके लाए गए। जम्मू कश्मीर च कल कोरोना वायरस के 232 नवे मामले सामने आए। इंदे च 162 जम्मू खिते थमां ते 70 कश्मीर खिते थमां हैं। तुआई मुल्क च पिछले 24 घंटे दौरान 25,920 मामले सामने आए हैं ते 492 लोगों की इस लागे करी मौत हुई है। रियासी जिला इंतजामिया ने पवित्र नगरी कटरा च ठोस कचरे के प्रबंधन की बढ़ावा देने ते प्लास्टिक ते पॉलीथीन के इस्तेमाल की रोकने वास्ते कल प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया। कचरा मुक्त कटरा नां दे इस अभियान की शुरुआत रियासी के डिप्टी कमिश्नर चरणदीप सिंह होरें एक प्लास्टिक बेलर मशीन का उद्घाटन करिए की। यह मशीन भारतीय प्रदूषण नियंत्रण एजेंसी नवी दिल्ली आसिया मुहैया की गई है। अभियान का मकसद यात्रुओं के आम लोगों की ठोस कचरे के प्रबंधन ते मोमी लिफाफे ते प्लास्टिक करी पर्यावरण की होवे करते नुकसान बारे जागरूक करना है। डिप्टी कमिश्नर होरें कारोबारियों ते आम जनता की पॉलीथीन ते प्लास्टिक की बरतून बंद करने की अपील की है। इस मौके उन्हें म्युनिसिपल कमेटी कटरा के सफाई कर्मचारियों से सुरक्षा संबंधी समान भी तकसीम किया। राजौरी के जिला विकास कमिश्नर विकास कुंडल होरें कल संबंधित अधिकारियों कन्ने एक बैठक च जिले के बख-बख हिस्सों च जल शक्ति ते PWD महकमे आसिया चलाई जा करदी महत्व वाली परियोजना की प्रगति का जायजा लिता। उन्हें राजौरी ते नौशहरा सब डिवीजन च दौने महकमे पास किए जा करते कमें की जमीनी ते माली स्थिति की तफसीली जानकारी हासिल की। जिला विकास कमिश्नर होरें जल शक्ति महकमे की अमृत स्कीम तहत प्रोजेक्टें की तफसीली रिपोर्ट DPR तैयार करने ते अगली कार्रवाई आस्तै उन्हें गी संबंधित अधिकारियों की सौंपने लिए आख्या। सुकवास्ट जम्मू के वाइस चांसलर प्रोफेसर JP शर्मा होरें कल आधुनिक कृषि केंद्र रख ध्यानसर का दौरा लाया ते उत्थे चले करते अनुसंधान विस्तार ते विकास वाले कमें का जायजा लिता। उन्हें केंद्र के अमले कन्ने गलबात की ते अनुसंधान ते होरने गतिविधियों च केंद्र आसिया किए जा करते जतने की सराहना की। उप कुलपति होरें मुतलका अधिकारियों की ढांचागत विकास कमें च बढ़ोतरी करने के निर्देश दिते। उन्हें साइंसदानों की अपने शोध संबंधी कार्यक्रम मुकामी मसलों के हिसाब तैयार करने के निर्देश भी दिते ताजे उनका लाभ किसानों तोड़ी पुज सके। खबरें इस बुलेटिन च बस इन्ना गै।